हेलो नमस्कार वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम का। मध्य प्रदेश के विधायक हैं, मंत्री हैं, इनको ज्ञापन सौंपा गया है और अतिथि शिक्षकों ने 5 सूत्री मांग रखी, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए 5 सूत्री मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा, दी आंदोलन की चेतावनी। शुक्रवार को गंज वासवादा ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों ने 5 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके पश्चात अतिथि शिक्षकों ने मांगों के समय सीमा में नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अब शासन काल में स्थायी करने की उम्मीद कम नजर आ रही है। शुक्रवार को दर्जनों की संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचकर अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विगत 2 दशकों से शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी बने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग अधर में लटकी है। विगत 2 दशकों से वेतन के बढ़ाने व स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन हालत पूर्व की तरह बनी हुई है। पूर्व की अपेक्षा शासकीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा परिणाम भी सुधारने लगे हैं। इसका श्रेय भी सही मायने में अतिथि शिक्षकों को ही जाता है। मोटे वेतन पाने वाले शिक्षकों से कहीं अधिक काम करने वाले अतिथि शिक्षकों अभी तक स्थायी करने को शासन की कोई भी प्लान तैयार नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने चुनावी एजेंडे में अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने को शामिल किया गया है। लेकिन कांग्रेस को कमलनाथ सरकार 15 महीने भी नहीं चल सकी। अब विधानसभा चुनाव को अधिक समय भी नहीं बचा और चुनाव की तारीख कभी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब अतिथि शिक्षकों के द्वारा कांग्रेस की सरकार बनाने की तरफ से मन कर सकते हैं, ठीक है। आने कांग्रेस की सरकार दोबारा बना सकते हैं अतिथि शिक्षक, अगर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं करती है सरकार तो, ठीक है। चेतावनी दी है अतिथि शिक्षकों ने, कलेक्टर के ज्ञापन सौंपा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के नाम का और विधायकों को भी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं अतिथि शिक्षकों की ओर।